नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम कुछ फार्मा स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं जो कि बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। काफी डाउन हो चुके हैं अपने 52 वीक हाई से, तो हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है इन स्टॉक्स में और क्या हमें इस प्राइस पे इन्हें एक्यूमुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं और डेली हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हमारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर रेड्डी लैब से। तो अगर मैं दोस्तों डॉक्टर रेड्डी की बात करूं तो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि ये अपनी कोविड 19 की कैप्सूल मोलनीपिरेविर को लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही। तो इसका रेट होगा 35 पर कैप्सूल और 10 कैप्सूल पर स्ट्रिप रहेगी। तो यहां पे क्या रहेगा, टोटल कोर्स जो रहेगा 40 कैप्सूल ओवर 5 डेज कॉस्टिंग ₹1400, मेकिंग इट द मोस्ट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू पेशेंट्स। तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज थी इनको लेके मार्केट में। अब हम अगर और देख लेते हैं कि क्या न्यूज चल रही है डॉक्टर रेड्डी को लेके। तो दोस्तों शेर खान ने डॉक्टर रेड्डी को बहुत ही बढ़िया टारगेट दिया है, 5900 का टारगेट दिया है। तो प्रेजेंट प्राइस से काफी ज्यादा का ऊपर है इनका टारगेट, और ये टारगेट इन्होंने 24 दिसंबर को दिया था। तो उसके बाद से प्राइस में ऐसा कोई अभी चेंजेस नहीं आए हैं। अगर मैं इनके डिलीवरी परसेंटेज की बात करूं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो 49% की डिलीवरी रहेगी थी, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी परसेंटेज रहेगा। आइए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज चार्ट के माध्यम से इनको एनालाइज कर लेते हैं। तो स्टॉक देखिए 4500 से 5000 की रेंज में ही काफी टाइम से स्टॉक हमारा घूम रहा है। तो अगर यहां पे आप देखेंगे इसका अपर लेवल, तो आपको यही निकल के आ रहा है 4900 से 5000 के बीच में। और अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं तो 4500 के पास एक स्टॉक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बार बार मिल रहा है। तो दोस्तों 4500 आपको कोई भी स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, वो ऑब्वियस है आपको 4500 के नीचे रखना पड़ेगा। और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो करीब 5000 का रहेगा। तो अगर 5000 को उसने तोड़ दिया तो फिर जो हम एम करके चलेंगे वो 5200, 5400 एंड 5600 को एम करके चलेंगे। तो यही इसमें दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। एक बार मैं इसमें देख लेता हूं मूविंग डे एवरेज लगा के भी 100 और 200 डे डीएमए का। तो अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगाऊं दोस्तों, तो स्टॉक यहां पे देखिए अपने ये 200 डे के मूविंग एवरेज से काफी नीचे है, और 100 डे के मूविंग एवरेज से स्टॉक आप कह सकते हैं कि यहां बस उसके पास ही चल रहा है। तो यहां पे दोस्तों आपको अगर पोजीशन बनानी है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इस चीज का आप ध्यान रख के ही पोजीशन बनाइएगा। बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है और काफी अच्छे प्राइस पे भी अवेलेबल है। अगर मैं डिलीवरी की बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने 51.5% की डिलीवरी रही थी इनकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, बहुत ही बेहतरीन इनकी डिलीवरी रही थी। अगर मैं इनकी न्यूज की बात करूं दोस्तों, तो यहां पे देखिए इन्होंने काफी ग्रीन केमिस्ट ग्रीन एनवायरमेंट के ऊपर इनका काफी फोकस रहता है। तो इनके मैनेजमेंट में कहा है देयर आर नो नाइट्रोसेमीन और एजिडो इंप्योरिटीज इन द कंपनी साइटेड एपीआई ऑफरिंग्स। तो ये सारी चीजों को इन्होंने काफी ज्यादा अनाउंस किया है। इनकी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 1,19,900 करोड़ तक रही और एक अपने 16% तक की करेक्शन दे चुका है ये स्टॉक। तो काफी अच्छी प्राइस पे ये जहां पे देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। और यहां पे अगर मैं बनाऊ तो ऐसा लग रहा है कि इसका डाउन ट्रेंड भी देखिए ऐसा, आप अगर ये वाली ट्रेंड लाइन को बनाएंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन को अगर थोड़ा बहुत आप फॉलो करना चाहेंगे, तो यहां पे देख के लग रहा है कि इसका जो डाउन ट्रेंड था वो भी अब ओवर हो चुका है। स्टॉक ने छोटा सा ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो आप दोस्तों छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा 4400 के पास का, 4350 से 4400 के पास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और हमारे दोस्तों जो टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट निकल के इजिली 5000 और 5400 टारगेट्स को एम करके चलेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन है इस स्टॉक में,
और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। ऑलरेडी निफ्टी 50 का पार्ट है तो फंडामेंटली आप लोग को सभी को पता है कि स्ट्रॉन्ग है। आइए दोस्तों पहले हम देख लेते हैं फाइजर में वर्ल्ड वाइड क्या न्यूज चल रही है। तो फाइजर में देखिए मेक्सिको ने कहा है कि इनकी COVID-19 पिल्स के इमरजेंसी यूज को अप्रूव कर दिया है। यहां पे देखिए इनका ये लोग जो है ये लोग FDA अप्रूवल को और वो कर रहे हैं। एक्जेमा के खिलाफ इनका केस चल रहा है कुछ सेनोफी में। अगर मैं कोविड की बात करूं दोस्तों तो साउथ कोरिया में COVID-19 के पिल्स बेचना स्टार्ट हो गई है और यहां पे इन्होंने जापान में भी अप्लाई किया है ओरल COVID-19 ड्रग के लिए। तो काफी ज्यादा एक्टिव है फाइजर आपका COVID-19 के लेके। इंडिया के लेकिन मैं बात करूं तो इंडिया को भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है फाइजर और GSK की कोविड ड्रग्स को लेके। ऑलमोस्ट अप्रूवल तो हो चुका है बट अभी तक इन्होंने वो डिलीवरी नहीं दी है तो उसमें अभी थोड़ा सा और टाइम लग सकता है आने के लिए। अगर मैं डिलीवरी की बात करूं तो बहुत अच्छी डिलीवरी नहीं रही थी इनकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जहां डॉक्टर रेड्डी और डिलीवरी लैब की हमें 50% के पास देखने की मिली थी, कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी केवल 35% के पास थी। लेकिन चार्ट पे अगर आप देखेंगे स्टॉक देखिए बार बार एक ही लेवल के पास से सपोर्ट ले रहा है। तो आप यहां पर ही काफी टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है अक्टूबर से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप पोजीशन बनाते हैं या है आपके पास 4800 का स्टॉप लॉस रखना है और पहला टारगेट इजिली हमारा 5300 का निकल के आ रहा है। 5200 से 5300 पहला टारगेट हमारा रहेगा, उसका तोड़ा उससे तो हम फिर 5700 और फिर 6100 तक के टारगेट्स को एम करके चलेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फाइजर और डिवीज लैब दोनों में काफी ज्यादा बेहतरीन है तो आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है इसमें 4750 से 4800 के पास का और जो टारगेट्स है वो कॉरेस्पॉन्डिंग काफी अच्छे है, 5000 से 5200, 5600, 6200, तो बेहतरीन इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें, स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर करिएगा, आपको काफी फायदा होगा। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।